खत्म करके और वापस से उसी रूप में आ जाइए जब आप बहुत पैसे वाले थे और बहुत पैसे आपके पास आपने कमाए थे, तो वो स्थिति वापस आपके सामने उत्पन्न होने लगेगी। तो आइए आज का ये कार्यक्रम चालू करते हैं। बरगद का पेड़, जिसको कि वट वृक्ष भी बोलते हैं, ये एकता का प्रतीक है, ये मान सम्मान का प्रतीक है, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ये पुरातनता का प्रतीक है। आपको पता है वट वृक्ष बहुत पुराने, पता नहीं कितने वर्षों पुराने होते हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। तो साहित्यिक दृष्टि से देखें तो ये जड़ें हमें मजबूत रहना सिखाती है, अपने स्थान पर अडिग रहना सिखाती हैं। अपने स्थान पर रहकर ही किस तरह से सफलता को प्राप्त किया जाता है, किस तरह से ग्रोथ की जाती है, तरक्की की जाती है, ये कोई वट वृक्ष से सीखे। इसके अलावा इसका पौराणिक भी महत्व बहुत ज़्यादा है, ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही है कि वट वृक्ष के नीचे साधना करने से बहुत सी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सुहागन औरतों का जो त्यौहार है वट सावित्री व्रत, उसमें तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। आपको पता ही है कि बिना वट वृक्ष के ये पूजा नहीं की जा सकती। उसके लिए जो बड़ की डाल होती है उसको तोड़कर लोग घर में पूजा करते हैं और बहुत से लोग जो वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करते हैं, इसकी प्रदक्षिणा करते हैं और इस पे जो डोरा लपेटा जाता है उससे सौभाग्य को अमरता प्राप्त होती है। इसके अलावा जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको भी बहुत अच्छे पति की प्राप्ति होती है। तो ये तो इसका शास्त्रीय महत्व मैंने बताया। अब अभी लॉकडाउन बढ़ गया है, आपको पता ही है, और इस बार जो वट सावित्री व्रत होगा, मैं अलग से इस पर वीडियो वैसे बना रही हूँ तो यहाँ चर्चा नहीं करती मैं उसकी, तो वो वीडियो भी आप देखना और उसकी डेट मुहूर्त वगैरह सब मैं उसी वीडियो में बनाऊंगी। तो आइए आज तो मुख्य टॉपिक है कि इसके क्या तांत्रिक प्रयोग हैं जिससे कि आपके जीवन में उन्नति और संपन्नता को प्राप्त किया जा सके। मित्रों, एक चीज़ होती है बांदा। बांदा उसे बोलते हैं जब कोई एक पेड़ पर कोई दूसरा पेड़ किसी बीज गिरने की वजह से उत्पन्न हो जाता है। तो कई बार बरगद के जो पेड़ होता है उसका बीज कई बार गिर जाता है, ये दुर्लभ चीज़ है काफ़ी। जैसे कि कोई पीपल का पेड़ है और उसमें अगर बरगद का पेड़ उगाए या किसी अन्य जगह पर भी बरगद का पेड़ उगाए, कोई छोटा सा पेड़ उगाए, तो उसको अगर आप अपने घर में ले आते हैं निमंत्रित करके, क्योंकि वृक्ष देवता को निमंत्रित करना पड़ता है और एक दिन पहले जाकर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कल हम आपको अपने घर पे सम्मान सहित लेकर जाएंगे, तो आप हमारे मनोरथों को पूर्ण कीजिए, संपन्नता दीजिए, धन वैभव दीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको एक दिन पहले करनी पड़ती हैं, तो ये काम आप जरूर करिए। और जो बांदा है उसको लाके अपने पूजा स्थान में रखने से ऐसा कहा गया कि अथाह धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो बरगद के फूल होते हैं, फूल और जो फल होते हैं, ये भी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इनको अगर आप बांध कर अपने घर के मुख्य द्वार पर पोटली में बांध कर लटकाते हो तो शत्रु बाधा का निवारण होता है, कोई भी नेगेटिव मनुष्य आपके घर में एंटर नहीं कर सकता है। बरगद का जो विशाल वृक्ष होता है उस पर आपने देखा होगा बहुत सी जटाएं लटकी रहती हैं। ये जटाएं जड़ के रूप में भी काम आती हैं और इसको भी आप किसी शुभ मुहूर्त में अगर तोड़ कर ले आते हैं तो, और उसके बाद उसको पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि धन रुकता नहीं है, आता रहता है, उसका फ्लो बना रहता है। रुकने से मतलब है कि ठहराव नहीं आता उसमें, कंटिन्यूशन में बना रहता है, पैसा आता रहता है। ऐसा होता है ना, कई बार पैसा आया फिर रुक जाता है, नहीं आता बाद में, तो इसको रखने से धन का फ्लो आपके यहाँ पे बना रहता है। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये है कि जब आप बरगद का बांदा लेके आए तो वो अगर आर्द्रा नक्षत्र जिस दिन है और उस दिन आप उसको लेकर आते हो, बांदा को लेकर आते हो, तो धन संपदा के साथ साथ आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। किसी को विदेश जाना है, किसी को अपने एजुकेशन में लाभ चाहिए, तो ये प्रयोग बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो इस तरह से बरगद के तांत्रिक प्रयोग मैंने आज आपको बताए।